नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। देश में अब जब लोकसभा चुनाव समाप्त हो गए तो सबको इंतजार है परिणामों की। हालांकि एग्जिट पोल आ गए, एग्जिट पोल के नतीजे एक तरफा जैसे दिख रहे हैं, जिसमें एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही। हर एक एग्जिट पोल देश में एनडीए की सरकार बना रहा है, लेकिन अब जो वोटिंग परसेंट का लिस्ट सामने आया है, इसमें कई सारे सवाल उठने लगे। अगर आप जम्मू कश्मीर को छोड़ दें तो देश में बिहार दूसरा बड़ा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे कम वोट डाले गए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जब 2014 में यहां पर 56% पोल हुआ था और 2019 में अभी 58.08% पोल हुआ है, 2014 की तुलना में 2019 में ये पोलिंग परसेंट में 2% का इजाफा है। लेकिन सवाल उठता है कि जब 2014 में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था यूपीए के खिलाफ, देश में मनमोहन सिंह के सरकार को गिराने की एक हवा थी जिसे नरेंद्र मोदी बखूबी भुना रहे थे, उस दौर में भी अगर यहां पर बिहार में 56% ही पोलिंग हुआ और 2019 में जब एग्जिट पोल यह बता रहे हैं कि देश में मोदी की लहर बरकरार है, मोदी के नाम पर जनता को सबसे ज्यादा भरोसा है, तो भी देश के अगर एवरेज को देखा जाए तो वह दूसरा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे कम पोलिंग हुई। सवाल कई उठते हैं, क्या बिहार में नेताओं के ऊपर जनता का भरोसा कम हो रहा है, या बिहार की जनता को ऐसा लगने लगा है कि यहां पर नेताओं की कमी है जो उन्हें बूथ तक खींच कर ले जा सके, या बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा है इसलिए लोग घर से निकलकर बूथ तक परिवर्तन करने के लिए नहीं आ रहे। सवाल कई सारे खड़े होते हैं। अगर आप बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो इस बार ऐसा कहा जा रहा था कि अगर मोदी को प्रधानमंत्री बनना है तो सबसे मुफीद कोई राज्य होने वाला है तो वह बिहार है, क्योंकि यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन से बीजेपी की सीटें अच्छी खासी कम होती दिख रही थी। वहीं बिहार के लिए यह कहा जा रहा था कि बिहार में एनडीए की इज्जत नीतीश कुमार बचाने वाले हैं, नीतीश कुमार का साथ होने की वजह से एनडीए को अच्छी खासी सीटें आने वाली है। नीतीश कुमार ने भी चुनाव प्रचार के दौरान काफी रैलियां की। विपक्ष के नेता, या यूं कहूं कि महागठबंधन के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे चेहरे तेजस्वी यादव ने भी बहुत ज्यादा रैलियां की। बिहार में वो ऐसे नेता बने जिन्होंने सबसे ज्यादा रैलियां की, 200 से ज्यादा चुनावी जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया। लेकिन जब वोट देने की बात आई तो तेजस्वी यादव भी बूथ तक नहीं पहुंचे, हालांकि वह वोट का आखिरी फेज था, सातवें चरण में उनके बूथ पर पोल हो रहा था जब तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे थे। लेकिन सवाल यहां से उठना शुरू होता है कि जो नेता लगातार जनता को यह कह रहा है कि आप उसकी पार्टी के लिए वोट करें, अगर वही वोट नहीं डालता तो फिर जनता कैसे वोट डालेगी। यह सवाल आखिरी चरण में निकलकर सामने आया, लेकिन पहले के जो 6 चरण के चुनाव थे उसमें भी वोटिंग परसेंट में बहुत ज्यादा इजाफा देखने को नहीं मिला। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देश के हिंदी भाषा के जो बेल्ट हैं उसमें जनता का राजनीति पर विश्वास कम हो रहा है क्या, क्योंकि ये कहा जाता है कि बिहार में बिहार के बच्चे भी अच्छी खासी राजनीति की जानकारी रखते हैं। अगर बच्चे राजनीति की जानकारी रखते हैं तो वो फिर जब बड़े होते हैं तो वोट देने क्यों नहीं जाते। सवाल कई सारे हैं, जवाब अब हमें ही ढूंढना होगा कि आखिर पूरे देश में बिहार के मतदाताओं का वोटिंग परसेंट दूसरे नंबर पर क्यों है, यह कम क्यों है। जम्मू कश्मीर के बाद बिहार का दूसरा नंबर है, बाकी कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे जहां पर वोटिंग परसेंट हैं, और छोटे छोटे राज्यों के तो बहुत अच्छे। ऐसे में जिस राज्य में देश की 40 लोकसभा सीटें आती है वहां पर अगर वोटिंग परसेंट का कम होना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। लाइव सिटीज इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहेगा। अगर आप हमें कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें। साथ ही अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और खबरों को डिटेल से पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।